नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, पप्पू यादव को तो आप जानते ही हैं। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हर जगह गरीबों का सुनता है और हर जगह का मामला उठाता है। अभी पूर्णिया जिला अंतर्गत कस्बा प्रखंड स्थित गर्वनली मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में आज जाप सुप्रीमो आदरणीय श्री पप्पू यादव जी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने वहां विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किए और तमाम खिलाड़ियों व आयोजकों को उत्साहवर्धन किए। साथ ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों को 5100 रुपये की सम्मान राशि प्रदान किए। उधर जाप सुप्रीमो आदरणीय श्री पप्पू यादव जी ने आज सुपौल के जदिया में युवा क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित टूर्नामेंट का भी विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें प्रोत्साहित किया और इस टूर्नामेंट के आयोजक का भी आभार जताया। और एक कदम बढ़ें, सहरसा जिला के मेहसी प्रखंड अंतर्गत बोहरावा ग्राम निवासी मरहूम डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब की स्मृति में डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब मंच द्वारा आयोजित जयंती समारोह में शामिल होने का उन्हें सौभाग्य मिला। इस मौके पर श्री पप्पू यादव ने उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दुआ की। मौके पर मंच द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया, इनके लिए आभार व्यक्त किया। इन्होंने वहां अपनी तकरीर में डॉक्टर साहब को याद करते हुए कहा कि वे हमारे समाज के लिए प्रेरणा है, समाज में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट और आप देख रहे हैं आवाज़ आपका 24, खबर सीधा आप प्रतिबद्धता कंप्लीट रूप से ईमानदार है कि नहीं और सिंसियर है कि नहीं। जो सिंसियर होगा, सीरियस होगा और ईमानदार होगा, वही दुनिया बदलेगा। इसीलिए मैं दोनों टीम के कप्तान को मैंने यहां यह कहा कि आप समाज और पड़ोसी के काम आए, यहीं से शुरुआत होती है और हम सबको मिलकर दुनिया में एक बेस्ट इकोनॉमी के लिए, अच्छी चीजों के लिए लड़ाई लड़नी है। जो लोग यहाँ हैं उन्हें सोचना होगा सबको मिलकर कि हम किसी जाति को गाली ना दें, किसी धर्म को हम सब अपमान ना करें, किसी मजहब को ना करें, किसी भाषा, सबकी अपनी भूमिका है। सवाल ये नहीं है कि आपके लिए पप्पू यादव, आप पप्पू यादव के लिए काम आते हैं कि नहीं। सवाल ये है कि मेरा जीवन में आने का मतलब यह है कि मैं आपके लिए काम आता हूँ या नहीं। उस अंधकार को मिटाकर एक नूतन प्रकाश को जलाकर खुद को प्रकाशित करना और खुद के प्रकाशित होने से दूसरों को प्रकाशित करना। अपो दीपो भावा, हमको एक चीज आप लोग दे सकते हैं, जोर से बोलिए ना, दे सकते हैं। अपना अपना अहंकार हमको दे, मंच वालों से नहीं मांग सकते, क्योंकि ये लोग दूसरों का, सब लोग नेता लोग लूटते हैं और अहंकार में रहते हैं। मैं जानता हूं सबकी औकात, जितने विनर भी और जो हारे भी, दोनों को हम अपने टीम से, हम अपने साथियों के हाथ में दे देते हैं। आप एक दोनों को दे देते हैं।